आज हम पढ़ेंगे कि पीडियाट्रिक में जो पेन स्केल पेन का लेवल है करने के लिए जो FLACC स्केल है उसका किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से अपन रियल में बच्चे को प्रैक्टिस करके देखेंगे। जैसे कि बच्चा है, इस बच्चे पर अपन रियल में प्रैक्टिस करके देखेंगे कि इसका पेन का लेवल क्या है, इसको जॉइंट में जैसे पेन आता है तो अपन बात करेंगे। तो उससे पहले मैं एक हल्का सा बता दूं कि पेन क्या है। पेन एक सब्जेक्टिव अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है, फीलिंग होता है जो पेशेंट खुद फील करता है। सब्जेक्टिव फीलिंग है और अनप्लीजेंट है, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो जब पेन का आप असेसमेंट करेंगे तो पेन का जब असेसमेंट करने से पहले अपन बात करते हैं कि इसमें एक निमोनिक यूज करते हैं, PQRST। पी का मीन होता है प्रोवोकिंग और द पैलेटिंग फैक्टर, मीन्स वो फैक्टर जो पेन को बढ़ाते हैं या पैलेटिंग मीन्स जो फैक्टर हुए हैं वो कम करते हैं। तो हमें ये पता करना होता है। फिर उसके बाद होता है क्यू। क्यू मीन्स क्वालिटी ऑफ पेन, मीन्स पेन क्या है, डल टाइप का है या शार्प एकिंग है, किस टाइप का पेन है, वी ऑल्सो असेस दैट टू। देन उसके बाद होता है आर। आर मीन्स रीजन वेयर द पेन, पेन कहाँ हो रहा है, किस जगह पे, लोकेशन क्या है पेन की, और इसके बाद वो पेन रेफर्ड है या फिर पेन लोकलाइज्ड है, तो असेस। देन आफ्टर हम देखते हैं एस। एस मीन्स सीवियरिटी में जिसमें देखते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर या वर्स्ट लेवल तक हम इसको एग्जामिन करते हैं कि पेन किस लेवल का है। एंड देन होता है उसमें टी कि किस टाइम इसका ऑनसेट होता है, पेन कब ये ऑनसेट होता है, कब ये पेन कम होता है, ये सारी चीजें होती है वो अपन इसमें पेन में देखते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं कि ये सारी चीजें जैसे हमने देख ली है ना कि जैसे पेन इसका प्रोवोकिंग फैक्टर कौन से हैं। जैसे कि ये बच्चा है, इस बच्चे को जैसे ही खड़ा करते हैं तो खड़ा करेंगे तो इसके जॉइंट में पेन होता है ना, तो इसको पेन होता है कि इसका प्रोवोकिंग फैक्टर है, इसको मूवमेंट कराते हैं तो इसको पेन ज्यादा होता है। देन क्यू मीन्स क्वालिटी है ना, किस टाइप का क्वालिटी टाइप पेन है, कि डल है या शार्प पेन होता है। शार्प पेन में जो होता है एकदम से ही हो जाता है कि उसको पेन हो रहा है, डल पेन कंटिन्यूस होता रहता है, इसको जो है वो डल टाइप का पेन है, शार्प पैकिंग नहीं है। देन उसके बाद में आर की बात थी, सॉरी एस सीवियरिटी। तो सीवियरिटी वी विल असेस बाय दिस FLACC स्केल के द्वारा। इसमें और कई सारी स्केल होती है जिसमें विजुअल एनालॉग स्केल है, वॉन्ग बेकर स्केल है, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल्स है, इसमें कई सारी पीडियाट्रिक स्केल्स होती है, बट हम एक स्केल है जिसका अपन आज करेंगे असेसमेंट करेंगे। देन होता है टी का जो है टाइम है, टाइम इसमें विशेष कोई ऐसा टाइम नहीं है क्योंकि बच्चे के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक चीज हर एक में लागू होनी जरूरी नहीं होती। अब हम आते हैं FLACC के। तो FLACC जो स्केल, जो कॉमन स्केल है, सबसे कॉमन यूज की जाने वाली, इस स्केल में क्या होता है कि पांच इसमें मेन जो चीजें होती है। FLACC फुल फॉर्म में आप देख सकते हैं, F का मीन्स होता है फेस, L का मीन्स लेग, A का मीन्स एक्टिविटी, C का मीन्स क्राई और नेक्स्ट C का मीन्स होता है कॉन्सेलेबिलिटी। इन पांच जो फैक्टर्स हैं उनको हम देखेंगे और हर एक फैक्टर में आप देख सकते हैं कि इसकी स्कोरिंग होती है, हर एक फैक्टर की स्कोरिंग होती है, हर एक एट्रीब्यूट की स्कोरिंग 0, 1, 2, 0, 1, 2। इस तरह से ये फाइव फैक्टर हैं, इनकी जो मैक्सिमम स्कोर है वो कितना हो सकता है, 5 × 2 अगर हम करेंगे तो 10 इसका मैक्सिमम स्कोर हो सकता है और मिनिमम वो 0 होगा। तो हम इस स्केल का यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि है ना बच्चे में फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं। तो एक चीज और होती है कि बच्चा अगर नींद में सो रहा है तो हमें 5 मिनट तक इसके एक्सप्रेशन से वो देखने हैं, और अगर बच्चा जागता है, जाग रहा है, तब हमें 1 से 3 मिनट तक बच्चे को असेस करना है। जस्ट वी आर असेसिंग, फर्स्ट व्हाट वी सी दैट द फेस, हम इसका फेशियल एक्सप्रेशन से आप देखेंगे। तो अगर फेशियल एक्सप्रेशन से देखेंगे कोई एक्सप्रेशन नहीं है तब तो जीरो होता है, लेकिन ये ओकेजनली क्या करता है, ग्राइमेसी, विड्रॉन और द एपियर सैड और वरीड है ना, इस टाइप का, जैसे कि बच्चा बीच में रोया था ना, जैसे आप देखिए फेशियल, ये क्या वरीड टाइप का लग रहा है ना, तो इसका एक होगा है ना। अगर ये और ज़्यादा कंटिन्यूस जैसे क्लिंच जॉ और डिस्ट्रेस लुकिंग करता, देन ये हम क्या करते, इसको 2 नंबर देते हैं। सो अगर हम इसमें देखेंगे तो ये बच्चा क्या है, इसमें आपको 1 नंबर पे आ, ठीक है, इसका जो पेन का लेवल है वो इस पर आ गया फेशियल एक्सप्रेशन से। सो नेक्स्ट वी सी द लेग्स। लेग्स के अंदर पे देखेंगे तो लेग्स में आप बच्चे को जैसे सीधा है, तो देखिए इसमें अगर लेग्स का रिलैक्सड है, कोई टोन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो इसमें 0, और अनइजी, रस्ट, टेंस, ओकेजनल ट्रिमर, तो आप इसको देखेंगे बच्चे को जैसे
अगर इसमें ऑटिज्म ट्रीमर या टेंस या रेस्टलेस लगती है तो आप एक नंबर, और किकिंग और मार्क्ड इंक्रीज इन स्पास्टिसिटी और इस तरह से तो अपन दो नंबर देते हैं। लेकिन इसके पैर हैं वो रिलैक्स्ड हैं, पैर है वो रिलैक्स्ड हैं, तो इसमें लेग वाली एक्टिविटी हम इसको क्या दे रहे हैं, इसको जीरो देंगे, क्योंकि इसमें पैर का कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। हालांकि इसकी वजह दूसरी हो सकती है, क्योंकि इसमें पैरों में दर्द है इसलिए मूव नहीं कर रहा है। देन एक्टिविटी, कि बच्चे की एक्टिविटी कैसी है। अगर आराम से सोता है लाइन क्वाइटली है ना, तो इसको जीरो होता है। लेकिन अगर ये मूवमेंट्स कुछ कर रहा है, कुछ रो रहा है, एजिटेटेड है, माइल्डली एजिटेटेड है ना, तब एग्रेशन कहीं दिख रहा है ना, तब हम इसको कह देते हैं एक नंबर। और अगर रिजिड जर्किंग मूवमेंट्स होता है, सीवियर एजिटेशन है, उस टाइप का नहीं है, इसमें अगर माइल्ड लेवल का है तो हम इसको दे देंगे एक नंबर। देन क्राई, कि बच्चा क्राई कैसे करता, नो क्राई तो हम जीरो देते हैं। और ये अगर ऑकेजनल कंप्लेन करता है, ऑकेजनल वर्बल आउटबर्स्ट प्रेजेंट होता है, तब ये एक नंबर देंगे। और ये देखो आप कंटिन्यूसली क्राई कर रहा है, ये कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंट कंप्लेन और कंटिन्यूसली क्राई कर रहा है, क्राई कर रहा है, तो सो हम इस बच्चे को क्या देंगे, इसमें हम इसको दो नंबर देंगे। देन आता है उसके बाद कॉन्सोलेबिलिटी। कॉन्सोलेबिलिटी का मीन ये होता है कि बच्चे को अगर हम अपने पास लेते हैं, हग करते हैं, और तो उस तरह से वो कैसे फील करता है। अब इस बच्चे को देखेंगे कि नॉर्मली अगर रिलैक्स्ड है, या फिर जब होता है कि मदर अपने पास लेती है, केयर गिवर अपने पास लेता है, तब होता है रिलैक्स्ड है रहता है, या फिर कंटिन्यूस क्राई करता है। तो इसमें आप अपने पास लीजिए बच्चे को, बच्चे को भी पास कंटिन्यूस क्राई कर रहा था, बट जैसे ही मदर ने अपने पास लिया तो इसने क्राई करना बंद कर दिया है। ये टू बी दिस चाइल्ड इज क्राइंग। ये पास में लेने के बाद भी क्राई करता है, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें दो नंबर। तो इस तरह से टोटल जो हमारा स्कोर था कि फेस में क्या आया, एक पे आया है ना, अपीयर सैड और वरीड लग रहा था, लेग्स रिलैक्स्ड थे, एक्टिविटी इसकी जो थी वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट और माइल्ड एजिटेटेड था, देन क्राई इसकी कंटिन्यूस थी, और कॉन्सोलेबिलिटी केयर गिवर ने लिया उसके बाद भी ये क्राई कर रहा है। तो ये इसकी जो टोटल जो स्कोर था वो कितना हो रहा है, एक जीरो, एक और एक दो, दो और दो चार, और दो छः। तो आउट ऑफ टेन जो इसका स्कोर है वो कितना आया, छः आया। आउट ऑफ टेन इसका स्कोर कितना आया, सिक्स आया। तो सिक्स स्कोर का मीन ये होता है कि अगर इसका स्कोर जीरो आता तब ये क्या होता, नो पेन। अगर एक से तीन के बीच में आता तो ये क्या होता, माइल्ड पेन। और ये अगर चार से लेकर सात के बीच आता, सॉरी चार से लेकर छः के बीच में आता तब ये मॉडरेट पेन, और फिर सात से लेकर नौ या दस तक आता है तो ये सीवियर पेन होता है, और इवन लास्ट टेन आउट ऑफ टेन आता तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ पेन होता। तो ये उन बच्चों में काम में ली जाती है रिवाइज्ड ब्लैक स्केल। ये दो महीने से लेकर सात साल के बच्चों में इस स्केल का यूज़ किया जाता है, जो बच्चे खुद बोल के नहीं बता पाते। जब बच्चे खुद बोल के बता पाते हैं तो उस समय हम दूसरी स्केल यूज़ में काम करते हैं। तो इस समय बच्चा सेल्फ एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उस कंडीशन में ये स्केल है वो यूज़ करते हैं। इस तरह के और भी जो वीडियोस हैं हम कंटिन्यूस बनाते रहेंगे और आप तक आते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।